आज मेरी दी आई थी बैंगलोर से जमशेदपुर शादी के बाद पहली बार ठीक है तो आकर बोली कि तुम इतना स्पाइसी स्पाइसी टेस्टी टेस्टी खाना बनाता है तो चल आज मेरे को कुछ ऐसा स्पाइसी खाना बना के खिलाया जिसको खाते ही मेरे आँख में आंसू आ जाए तो मैं सोचा कि ऐसा कौन सा खाना होगा जिसको खाते ही आंसू आ जाए तो मेरे को याद आया यूट्यूब पर मैं वीडियो देख रहा था उस पर ट्रेंड पर एक वीडियो चल रहा था कोरियन स्पाइसी नूडल का तो मैं बोला कि चलो इसे खिमनाता हूँ वो थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा कर दूंगा कि तक सच में इसके आँख में आंसू आ जाए ठीक है तो मैं कोरियन नूडल बनाया और मैंने स्पाइसी करने के लिए चिंग सीक्रेट का शेजवान चटनी डाला जो कि तीन चार चम्मच डाल दिया तो कि और स्पाइसी हो गया हक्का नूडल बना के मिला के इसमें अच्छे से मिलाया और ये इतना ज़्यादा स्पाइसी बना के मैं बता नहीं सकता मुझे इतना ज़्यादा स्पाइसी लगा कि मैं बता नहीं सकता मेरी दीदी बोली कि वहाँ पर इतना ज़्यादा स्पाइसी क्यों बना दिया तो मैं बोला तुम्हें तो मेरे को बोली थी इतना ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए तो मतलब बहुत टेस्टी था वैसे